बॉलीवुड की ऐसी कई फिल्में हैं जिनके सीक्वल को लेकर बेहद उत्सुकता रहती है। ऐसी ही एक फिल्म है जॉली एलएलबी। इसके पहले पार्ट में अरशद वारसी ने मुख्य भूमिका की थी, लेकिन जब दूसरा पार्ट बना तो उन्हें रिप्लेस कर दिया गया और अक्षय कुमार को लिया गया। कुछ लोगों को अक्षय कुमार पसंद आए तो कुछ ने अरशद वारसी को मिस किया। जॉली एलएलबी 3 को लेकर कुछ समय पहले खबरें आई थी कि इसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों होंगे। दोनों को साथ में देखना फैंस के लिए एंटरटेनमेंट का डबल डोज जैसा होगा। फिल्म कब फ्लो पर जाएगी और इसकी क्या कहानी है, आगे इस वीडियो में बताते हैं। निर्देशक सुभाष कपूर जॉली एलएलबी 3 को बनाएंगे। वो काफी समय से इसकी कहानी में जुटे हुए हैं। फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है कि इसकी शूटिंग अगले साल फरवरी में शुरू होगी। पिंका बिला ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पटकथा पूरी कर ली है, इस साल के अंत में वो प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। तीसरे पार्ट में कोर्टरूम ड्रामा दिखाया जाएगा जिसमें अच्छाई और बुराई का टकराव होगा। पिछली दोनों फिल्मों की तरह जॉली एलएलबी 3 में भी कॉमेडी, कोर्टरूम में बहस, सस्पेंस और सामाजिक मुद्दे को साथ में दिखाया जाएगा। सुभाष कपूर ने ऐसी कहानी बुनी है जिससे दोनों जॉली की उपस्थिति कहानी में सटीक बैठती है। सूत्र ने ये भी बताया कि पिछली दोनों फिल्मों की तरह इसमें भी जज त्रिपाठी की भूमिका में सौरभ शुक्ला होंगे। जॉली एलएलबी 3 की शूटिंग फरवरी 2024 में शुरू होगी। उम्मीद है कि इसे मध्य प्रदेश में 2 महीने के शेड्यूल में पूरा कर लिया जाएगा। मेकर्स चाहते हैं कि 2024 के आखिर में इसे रिलीज किया जाए।